ये बर्गर से मेरा मन नहीं भरता, ये इतना स्वादिष्ट है। कुछ लोग का मन मोबाइल से नहीं भरता, सोने से तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? गई जी, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोले, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। किसी चीज़ में मन नहीं भरना या फिर किसी चीज़ को करते रहना चाहना, इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज होती है कैनट गेट एनफ ऑफ समथिंग और समवन। कैनट गेट एनफ ऑफ समथिंग और समवन, समथिंग यानी कुछ चीज़ के लिए, अगर आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो समवन। सो चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करनी है फ्रेज कैनट गेट एनफ ऑफ। इसके बाद आपको लिख देनी है थिंग्स नेम, जो चीज़ से आपका मन नहीं भर रहा है। इसके बाद नाउन और प्रोनाउन जो भी आएगा उसको लिख दिया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चॉकलेट से उसका मन नहीं भरता, ही कैनट गेट एनफ ऑफ चॉकलेट्स, ही कैनट गेट एनफ ऑफ चॉकलेट्स। ये बर्गर से मेरा मन नहीं भरता, ये इतना स्वादिष्ट है। आई कैंट गेट एनफ ऑफ दिस बर्गर, इट्स सो डेलिशियस। आई कैंट गेट एनफ ऑफ दिस बर्गर, इट्स सो डेलिशियस। सोने से तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? देखिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, कैंट यू गेट एनफ ऑफ स्लीप, कैंट यू गेट एनफ ऑफ स्लीप। कुछ लोगों का मन मोबाइल से नहीं भरता, सम पीपल कैंट गेट एनफ ऑफ मोबाइल, सम पीपल कैंट गेट एनफ ऑफ मोबाइल। कार्टून शोज देखने से बच्चों का मन नहीं भरता, किड्स कैंट गेट एनफ ऑफ वॉचिंग कार्टून शोज, किड्स कैंट गेट एनफ ऑफ वॉचिंग कार्टून शोज।